जिला वकील संगठन का माजी अध्यक्ष, आज तकरीबन 11:30 बजे एक हमारा छोटा भाई युवा वकील तहसीन गुलाम मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकला और उसको स्टेट कमीशन जाना था, तो जल्दी जल्दी में उससे थोड़ी चूक हो गई, गलती हो गई कि वो रॉन्ग साइड से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कंज्यूमर कोर्ट की तरफ जा रहा था। वहाँ पे PI येडगे खड़े थे, उन्होंने हमारे युवा वकील भाई को जब रॉन्ग साइड जाते देखा तो उनका काम था कि कानूनी तौर पे उसका या तो फ़ोटो ले लिया जाए उसकी गाड़ी के नंबर का, या उसका नंबर लिख के उसे ई चालान भेज दिया जाए। लेकिन इन्होंने PI येडगे ने, ट्रैफिक वाला ने, गलत तरीके से दौड़ते हुए उसकी गच्ची पकड़ी, गच्ची पकड़ के रुका तो उसको धक्का दे के गिराया गया। गिरने के बाद में उसके पैर पे बहुत जम के चोट लगी, काफ़ी इंजुरी आई, पूरा खून बह रहा था, पैंट फट गई थी। ये होने के बाद में भी एक इंसानियत के नाते उसको उठाना और बोलना हमारा गिराना तुमको मकसद नहीं था, गलती से आप गिर गए, लेकिन ये ना करते हुए उसको उन्होंने धमकी दी युवा वकील को कि तेरे को अब चालान तो बनाएंगे, अब कानूनी रूप से तेरे अगेंस्ट में हम लोग सीरियस कार्रवाई भी करेंगे कोर्ट में, और तू क्या पूरा वकील समुदाय भी अगर तेरे साथ में आएगा तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से अगर हमारे एक युवा वकील के साथ में एक पुलिस PI ऐसा गैरकानूनी काम करता है, खुद कानून का रखवाला कानून तोड़ता है और दूसरे कानून के रखवाले के साथ अगर वह ऐसा बर्ताव करता है तो उसका व्यवहार आम आदमी के साथ कैसा होगा। जब हम लोगों ने आजू बाजू से लोगों से पता किए तो हमको पता चला कि ये पिछले 2 महीने में ये वकीलों के साथ वही पर्टिकुलर PI ट्रैफिक येडगे ने इस तरीके की 8वीं बार हरकत की है। तो इस तरीके का गैर व्यवहार एक PI ट्रैफिक के कानून के रखवाले ने करना और वो भी एक वकील के साथ करना, ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। और वकील कभी इस तरीके का रास्ते में आने की कभी कल्पना भी नहीं करता, क्योंकि हम लोग हमेशा कोर्ट में ही न्याय दिलाने की बात करते हैं। सर क्या डिमांड है? हमने कमिश्नर साहब से बात की है, पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार साहब ने हमको प्रॉमिस किया है कि इसके PI ट्रैफिक ने जो गलती की है उसके अगेंस्ट में, जो उसको उसके कारण चोट लगी है उसके अगेंस्ट में PI ट्रैफिक के अगेंस्ट में FIR भी रजिस्टर्ड होंगी और आज की आज उसका ट्रांसफ़र भी होएगा। क्योंकि इस तरीके का अगर पुलिस महकमे का कोई भी ऑफिसर, इस तरीके का पुलिस ने हम लोगों को प्रॉमिस किया है कि FIR करेंगे और ट्रांसफ़र आज की आज करेंगे, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया है कि वो PI की गलती है। लेकिन हमारी मांग है कि इसको सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं किया जाए, इस तरीके का ऑफिसर को सस्पेंड किया जाए कि एक समाज को एक मैसेज जाए कि ऐसा इस तरीके का गलत व्यवहार कोई भी पुलिस ने किसी भी एक आम आदमी के, एक सामान्य आदमी के साथ में भी नहीं करना चाहिए। और अगर पुलिस कोई कार्रवाई जो प्रॉमिस किए नहीं करती है तो कल हम लोग पूरे 8,500 वकील एकजुट होके कल से न्यायालय में सब काम बंद करेंगे। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो जब तक कि काम हमारा पूरा वकीलों का न्यायालय में बंद रहेगा।